रोहिणी विधानसभा के वार्ड नंबर 7 स्थित जय अपार्टमेंट में स्वराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सरतामुखी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पार्टी संयोजक प्रोफेसर आनंद कुमार, पूर्व विधायक राजेश गर्ग और उम्मीदवार डॉक्टर मुखी के साथ ही काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जुमला ड्रामा और घोटाला, जुमला ड्रामा और घोटाला, भारत माता की। इस अवसर पर राजेश गर्ग ने डॉक्टर मुखी के व्यक्तित्व से लोगों को वाकिफ कराए और इनके लिए वोट भी मांगे। तो मेरा वायदा था मुखी साहब को कि आप जहां भी जाएंगे हमें विश्वास है कि अच्छी जगह जाएंगे, और आप जहां भी जाएंगे कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे तो हम और हमारी टीम आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। और आने वाली 23 तारीख को आप डॉक्टर सविता मृत्यु को देख लो या उनकी फोटो को देख लो, उनकी फोटो के आगे के बटन को दबाकर उनको विजयी बनाएंगे और वो निगम पार्षद रूप में आपके काम करेगी। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट से पार्टी को चुनाव चिन्ह न मिलने पर अफसोस जताया। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पार्टी की रणनीति पर भी जोर दिया। बीजेपी ने तो अपनी चुनौती खुद ही पहचान ली है। उन्होंने तय किया है कि उनके सभी पार्षद इतने नाकारा थे कि इससे पहले कि जनता उनको रिजेक्ट करे उन्होंने ही उनको उम्मीदवार बनाने के फैसले को खोल के कह दिया कि किसी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। वहीं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट, स्वराज इंडिया के उम्मीदवार डॉक्टर सरतामुखी ने क्षेत्र के मतदाताओं को दिए अपने हलफनामे और चुनाव जीतने पर काम करने के तरीके के बारे में बताया। स्वराज एंड ट्रांसपेरेंसी, हम आपका अपने का राज आपसे ही पूछ के बजट बनेगा, आपसे ही बजट सामने आएगा, कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, किस प्रायोरिटी पे खर्च करने हैं। स्वराज इंडिया पार्टी के कार्यालय उद्घाटन समारोह में काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी और उत्साह। पार्टी संयोजक प्रोफेसर आनंद कुमार और पूर्व विधायक राजेश गर्ग का डॉक्टर सरतामुखी के लिए गर्मजोशी से वोट के लिए अपील। डॉक्टर सरतामुखी के सामाजिक कार्य के लिए जज्बा, पहचान और पार्टी के विश्वास को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम चुनाव के वक्त ये मतदाता किसे वोट देते हैं और वार्ड नंबर 60 के निगम पार्षद की कुर्सी किसे मिलती है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन रवि रोहिला के साथ विद्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट।